किया है तुमने मेरी बेटी के साथ? क्या किया? वो अपने कमरे में बेहोश पड़ी हुई है। तुम उसको खाना देने गई थी ना, तुमने खाने में जहर मिलाया ना, बताओ मुझे। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुमने मेरी बेटी को जहर दिया है, और अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना, मैं पुलिस के हवाले कर दूंगी तुम्हें। तुम्हें याद रहेगा सारी उम्र कि मैं क्या करूंगी तुम्हारे साथ। निकल जाओ यहाँ से, चली जाओ, दबा हो जाओ यहाँ से। जुनेद, सफीना बाजी की बातों को दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। वो निदा के लिए ऑलरेडी बहुत परेशान है। एक दफा निदा ठीक हो जाएगी तो आई एम श्योर वो मिना की गलतियों को भी भूल जाएंगी। मना भी किया था मैंने, बोला था मैंने मिना को मत अपने कमरे से बाहर निकला जब तक मैं नहीं आता, लेकिन फिर भी न जाने क्यों वो निदा के रूम में चली गई। मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकती वो। वो कहाँ मानती है किसी की भी बात, अपनी मर्जी की मालिक है जुनेद। वो अपने से आगे किसी को समझती ही नहीं, चाहे वो सफीना भाजी हो या तुम। मर्जी नहीं रही थी यार, उसने बदल लिया था खुद को, सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर निदा की शादी मुलती हुई, उसके बाद हालात बदल ही गए। मुझे बताओ तुम वहां थी, हुआ क्या था? क्या जुनेद, रहने तो मैं क्या बताऊं इस बारे में। सनारा जो मैंने पूछा है प्लीज जवाब दो उसका। कुछ नहीं, मैं और सफीना बाजी बातें कर रहे थे। सफीना बाजी बहुत मुतमईन थी, निदा अपने कमरे में सुकून से सो रही थी, अचानक से मिना की शोर शराबा करने की आवाज आई, हम दोनों निदा के रूम में भागे तो निदा बेहोश पड़ी थी। शायद मिना ने कुछ ऐसा उसको कहा हो जो उससे बर्दाश्त ना हुआ हो, या पता नहीं क्या बात थी, लेकिन मैंने बस तुम्हें कॉल करके बता दिया। और मिना ने क्या किया? मिना को मैं ऐसा नहीं समझती थी जुनेद, बेहसी का मुजाहरा किया उसने। ये सब हुआ तो कमरे में चली गई और बाहर नहीं आई।